5G फोन खरीदते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, यानी कि आप 5G के नाम पर ही कोई भी फोन ना खरीद लें। कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो आपको उस फोन में जरूर देखना चाहिए, और अगर नहीं देखा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल 5G लॉन्च होने के बाद आपका मन भी कर रहा होगा 5G फोन लेने का, लेकिन आप ऐसे ही किसी भी फोन को 5G के नाम पर नहीं ले सकते। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप 5G फोन लेना चाहते हैं और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 8GB रैम वाले फोन को ही खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि फास्ट स्पीड नेटवर्क प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी शर्त यह है कि 5G बैंड सपोर्ट होना। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। दरअसल 5G फोन में N1, N3, N8 नाम का बैंड होता है। ये बैंड फोन में जितना ज्यादा होगा फोन 5G नेटवर्क को उतना अच्छे से सपोर्ट करेगा। वहीं बैटरी 5000 mAh या उससे ज्यादा का चुनना होगा, जिसमें 44 वाट से ज्यादा का चार्जिंग सपोर्ट हो और स्क्रीन रिफ्रेश रेट 90Hz से ज्यादा हो, तभी ये फोन आपके लिए काम का है, वरना आप इसे ना खरीदे तो बेहतर है। वैसे आपने कभी सोचा है कॉपी में मार्जिन लाइन आखिर क्यों दी जाती है? वही जो हर पेज के बाईं तरफ सीधी रेखा खींची होती है, इसे आप किसी और नाम से जानते होंगे। तो क्या आपको पता है नोटबुक में इसे देने का मतलब क्या है? जी हाँ, इसके पीछे चूहों का हाथ है। दरअसल पुराने जमाने में एक समस्या आम थी, वो थी चूहों की समस्या। चूहे लगभग हर चीज को कुतर देते थे, जिसमें जरूरी कागजात भी शामिल होती थी, और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बस इसी समस्या को दूर करने के लिए मार्जिन लाइन की शुरुआत हुई, यानी कि चूहे सबसे पहले पेपर या किताब का किनारा ही कुतरना शुरू करते थे। मार्जिन लाइन देने के बाद अगर चूहे किनारा कुतर भी देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मार्जिन लाइन में कुछ भी नहीं लिखा जाता।